क्या आप जानते हैं स्मार्ट ऑटो पीएचडी क्या है? क्या आप जानते हैं स्मार्ट ऑटो पीएचडी काम कैसे करता है? हाँ, मुझे पता है आप लोगों को नहीं पता, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के लेके आ चुका हूँ, क्योंकि ये YouTube पे फर्स्ट ऐसा एक वीडियो होगा जो स्मार्ट ऑटो पीएचडी का रिव्यू लेके आया है, और वो भी वो आप फोटोशॉप के अंदर एल्बम डिजाइन कर पाएंगे किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के सिवाय। सिंपल सा, आपको सिर्फ फोटोशॉप चाहिए और हमारा ये ऑटो पीएचडी का सेटअप चाहिए। अगर आपको यूट्यूब पे हमारे इस वीडियो से पहले कोई दिखा दे ये स्मार्ट ऑटो पीएचडी किसी ने अपलोड किया है, तो आपके लिए ये स्मार्ट ऑटो पीएचडी फ्री रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज स्मार्ट ऑटो पीएचडी का रिव्यू देख लेते हैं, कैसे ये पीएचडी काम करता है देख लेते हैं, और ये पीएचडी को हम लोग कैसे आप परचेस कर पाएंगे इसके बारे में हम इसी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ इस पीएचडी का पहले काम करने का तरीका पहले देख लेते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें तो अपना फोटोशॉप ओपन कर लेना है, जैसे कि हमने ओपन करके पहले से रखे हैं, और नीचे अपने क्लाइंट का जो फोटो रहेंगे उसका एक सेटअप, मतलब ये नॉर्मल सा लेयर है, जैसे हम जाते हैं एक फोल्डर के अंदर और अपना क्लाइंट का फोटो ओपन करते हैं। ये सिंपल सा ही है, इसको सिर्फ छोटा करके एडजस्ट करके रखना है, और फोटोशॉप के अंदर ओपन पे जाके हमें पहले ऑटो पीएचडी का एक कोई भी पीएचडी ओपन कर लेना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे बहुत से पीएचडी पहले से रखे हैं, ये 25 कलेक्शन होंगे, ये बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, और इसका डेमो देखना होगा तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का डेमो भी दिया रहेगा, आप डेमो भी देख लीजिएगा। तो इसमें से कोई भी एक फाइल में ओपन कर लेता हूँ फोटोशॉप के अंदर, तो ये हमारा पीएचडी ओपन हो रहा है। सिंपल सा नॉर्मल सा ही पीएचडी है, लेकिन इसका जो काम करने का तरीका है किसमें, इसमें मतलब एक मिनट के अंदर, एक मिनट छोड़ दीजिए, मैं सिंपल सा बता देता हूँ आपके लिए, 10 सेकंड के अंदर आपका एक एल्बम पेज डिज़ाइन हो जाएंगे। और इसके लिए भी ना ही कोई आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्शन की ज़रूरत है, ना ही कोई प्रीसेट की ज़रूरत है। सिंपल सा अपना फोटोशॉप चाहिए और हमारा ये ऑटो पीएचडी सेटअप चाहिए। तो हमारा एक पीएचडी ओपन हो चुका है, आप देख ही सकते हैं डिस्प्ले पे इसका रिव्यू आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, क्लाइंट का फोटो लेना है और सिंपल सा पेज के ऊपर छोड़ देना है। और अभी पेज का कमाल देखिए, सिंपल सा आप पूरा फ्रेम को डिटेक्ट करके आपका जो फोटो रहेगा ये इसके अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं आपका जो फोटो है, क्लाइंट का जो फोटो है, ये आपका टेम्पलेट के अंदर चला गया है। ऐसे ही सिंगल क्लिक पे आप अपना फोटो को पेज के अंदर डाल सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, एक एक करके सभी को दिखाऊंगा। इस टाइप का ऑटो पीएचडी अगर आप यूट्यूब में कहीं पे दिख जाता है तो मैं ये पूरी फाइल आप लोगों के लिए फ्री करने वाला हूँ, तो जल्द से जल्द यूट्यूब पे जाइए और ढूंढिए इस पीएचडी को। एक ही क्लिक पे आपका फोटो जो है टेम्पलेट के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, और आप हिसाब लगा सकते हैं तकरीबन 10 से 20 सेकंड के अंदर आप एक पेज डिजाइन कर पाएंगे। मैं एक एक करके फोटो को डाल देता हूं टेम्पलेट के अंदर, आप देख लीजिए थोड़ा। ऐसा पीएचडी आपको मार्केट पे कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे चैनल आपको ऐसा पीएचडी दे सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक जरूर लाइक करके जाइए। तो ऐसे करके आप एल्बम डिजाइन कर पाएंगे, और सबसे बढ़िया बात इस पीएचडी का जो है, हम जब फोटो रिप्लेस करते हैं, अगर ये पेज हो सके आप डिजाइन करके रख दिए, बाद में आप इसका फोटो रिप्लेस करना चाहते हैं, तो पेज का जो है लेयर बढ़ जाता है, और आपका जो पेज का जो MB था, मतलब जो फाइल का साइज था, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस पर एक काम होता है, मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक लेयर बन चुका है आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैं कोई दूसरा फोटो डालता हूँ तो उस फोटो को डिलीट करके ये फोटो रिप्लेस कर देता है। आप देख ही सकते हैं लेयर पैनल पे आपको क्लियर से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, देखिए वो फोटो जो था वो डिलीट हो गया और उसके जगह पर ये फोटो रिप्लेस हो गया, मतलब फाइल आपका वही रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक एल्बम का जो पेज है तकरीबन 10 से 20 सेकंड के अंदर, मेरे हिसाब से अगर आप फास्ट काम करते हैं और आपका पेज पीसी का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होगा, तो मेरे हिसाब से 10 सेकंड में एक एल्बम पेज आपका बन जाएगा। और ये जो सारे पेजे हैं एकदम प्रीमियम क्वालिटी के हैं, 25 सीट्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है, आप पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करके भी ये पेज परचेस कर सकते हैं। और इस पेज का फुल डेमो पीडीएफ देखना होगा तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया रहेगा। तो और एक मैं पेज ओपन कर लेता हूँ, सारी पेज प्रीमियम है और सारी पेज मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगा मुझे ये पेज बनाने के लिए। तो एक बार वीडियो को लाइक करके जाइए, और इसके ऊपर अगर और भी वीडियो आप चाहते हैं इस पीएचडी के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, मैं इसी पेज मतलब इस टाइप के टेम्पलेट के ऊपर और भी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो आप देख ही सकते हैं, एक सिंपल सा मेथड मैं बता देता हूँ, जहाँ जहाँ पे आपका स्टूडियो लाइन इंडिया लिखा हुआ है
वहाँ पे आपका फोटो डाला जाएगा। तो आप सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, अपना फोटो चला जाएगा। मैं ऐसे करके सभी जगह पे फोटो डाल लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा एडजस्ट करना होता है, मैं थोड़ा एडजस्ट भी करके दिखा दूंगा। एडजस्ट की बात हम कर लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल सा आप फोटो इधर उधर हो जाता है। जो नॉर्मल अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप पेज को डिज़ाइन करते हैं तो भी ये करना पड़ता है, और उसमें और भी मेहनत लगता है। इसमें मेहनत वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। ऐसे करके आप एक पेज को डिज़ाइन कर पाएंगे, और जो फोटो रहेंगे वो भी हम डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 10 सेकंड के अंदर हमने ये पेज डिज़ाइन कर चुका है। 10 सेकंड क्या, 5 सेकंड के अंदर ही हो सकता है आप ये पेज डिज़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा करके और एक फाइल हम लोग फोटोशॉप के ऊपर ओपन कर लेंगे। सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, एकदम मक्खन की तरह आप एल्बम डिज़ाइन कर पाएंगे, और ये सिर्फ आपका एकदम कम प्राइस में आपका हो सकता है। ये सारे PhD नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, लिंक के थ्रू पेमेंट कीजिए और डाउनलोड करके मजा लीजिए। कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा अपना पसंदीदा फोटोशॉप चाहिए, और साथ ही साथ अपना जो क्लाइंट के फोटो रहते हैं बस इतना, और कुछ नहीं। ये आप CS3 में भी यूज कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आप CS3 में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका PC कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा स्लो है, अगर आप CS3 यूज करते हैं तो आप CS3 पे भी ये फीचर्स पा जाए, मतलब मिल जाएंगे। ये कुछ सिर्फ आपको ये PhD परचेस करना है और कुछ नहीं। तो हमारा जो है और एक PhD ओपन हो चुका है फोटोशॉप के अंदर। इसके अंदर भी हम लोग फोटो डाल के देखेंगे। जहाँ जहाँ पे आपको स्टूडियो लाइन इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे आपको फोटो डालना है, सिर्फ क्लाइंट का फोटो को ड्रैग करना है और टेम्पलेट के अंदर छोड़ देना है, बस फ्रेम को डिटेक्ट करके फोटो ऑटोमेटिकली आपका पेज के अंदर चला जाएगा। आप देख ही सकते हैं, अगर ये फोटो आपको पसंद नहीं आता आप दूसरा फोटो भी रिप्लेस कर सकते हैं, उसको डिलीट करके ये वाला फोटो आपका उधर रिप्लेस हो जाएगा। तो फोटो को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेम साइज थोड़ा बड़ा था और फोटो का रेजोल्यूशन थोड़ा कम था, इसीलिए फोटो एडजस्ट नहीं हो पाया और कुछ नहीं। तो ऐसे करके आप एडिट कर पाएंगे। मैं और भी पेज में फोटोशॉप के अंदर दिखाना चाहता हूँ, और पूरी फोटो मतलब टेम्पलेट का अगर डेमो लिंक आप देखना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका PDF डेमो भी दिया रहेगा, आप उसके थ्रू देख लीजिएगा। तो इधर मैं फोटो डाल रहा हूँ, आप देख ही सकते हैं टेम्पलेट को डिटेक्ट करके, फ्रेम को डिटेक्ट करके टेम्पलेट के अंदर फोटो डायरेक्टली जा रहा है। लेयर को सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा फोटो को लेकर ड्रॉप कर दीजिए और आपका जो फोटो रहेगा वो टेम्पलेट के अंदर फ्रेम को डिटेक्ट करके चला जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं मैंने पूरा पेज का जो फोटो है वो डाल दिया है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो सकता है बस और कुछ नहीं। अगर आप ये PhD लेना चाहते हैं तो बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, लिंक के थ्रू पेमेंट कीजिए और डाउनलोड करके ये PhD का मजा लीजिए। तो और एक फोटोशॉप में मैं और एक PhD फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये सारी पेज बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगा है और बहुत टाइम लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार जरूर लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और साथ ही साथ YouTube में अगर ये PhD और कोई YouTube चैनल अपलोड कर चुका है या मेरे वीडियो अपलोड होने से पहले किसी ने ये अपलोड किया है आप दिखा दीजिएगा, तो मैं ये सारे PhD आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। तो जल्द से जल्द YouTube पे जाइए और ये सारे PhD ढूंढते रहिए। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 10-15 सेकंड में आपका जो पेज है वो बन के तैयार हो जाएंगे, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और कुछ नहीं। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो फोटोशॉप के ऊपर एल्बम डिजाइन करना चाहते थे लेकिन वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के चक्कर में पूरी पैसा और टाइम जो है वो वेस्ट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये टेम्पलेट है एकदम मेहनत कम और काम ज़्यादा। आप देख ही सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो मेहनत का काम था वो मैंने ही करके दे दिया, आपको सिर्फ फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और कुछ नहीं। मैं एक एक करके सारे फोटो डाल दिया हूँ, देख ही सकते हैं तकरीबन आप 10 या 15 सेकंड में एक पेज डिज़ाइन कर पाएंगे एकदम इजी एंड सिंपल तरीके से। तो ये हमारा पेज डिज़ाइन होकर तैयार हो चुका है, इस टाइप का पूरा पेज है, पूरी 25 कलेक्शन में आप आज को दे रहा हूँ। नेक्स्ट डे और भी बहुत से PhD अपलोड होने वाले हैं, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। 25 शीट्स बहुत कम प्राइस में आपको मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, लिंक के थ्रू पेमेंट कीजिए और डाउनलोड कीजिए। और इसका अगर आपको डेमो देखना है, मतलब पेज का क्वालिटी क्या है या पेज देखने में कैसा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक भी मिल जाएगा, उसके थ्रू आप देख पाएंगे। तो ये था पूरी वीडियो, आशा करता हूँ मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। और पूरी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं तो सब कुछ का सोल्यूशन ले लीजिए।
तो मिलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ प्रीमियम कलेक्शन के साथ और ऐसे ही मजेदार फीचर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।